हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, आज हम आए हैं तिजारा के जैन मंदिर में। और इस मंदिर के बारे में मैंने पहले बहुत कुछ सुन रखा था। और ये उसके बाहर की मार्केट, दीदी बताती रहती थी कि मंदिर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। मतलब कि जो बातें हम सुनते रहते हैं उसके बाद उसे देखने की और भी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो मैं दीदी के घर तो कई बार जा चुकी थी, लेकिन मंदिर नहीं गई थी एक बार भी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था इतना। तो फिर मैंने अब के बार दीदी से बोला कि दीदी अब की बार हमें भी घुमा के लाओ। तो देखिए, हम यहाँ पर जो मंदिर है उसमें एंटर हो चुके हैं, और ये है मंदिर का एंट्रेंस द्वार। और तो हम यहाँ पर गए तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो अभी सफाई हो रही है, तब तक हम वेट करें मंदिर का, जो मेन मंदिर है उसके दर्शन के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर, जो इन्होंने बताया कि इस साइड वाटिका है, आप वहाँ घूमिए आओ, तब तक इसकी सफाई भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चल दिए थे वाटिका में घूमने के लिए, और बच्चे भी बहुत खुश थे यहाँ। ए ले, ऐसा लगा कहीं गिर ना जाए। ये लकड़ी को कैसे, जब मैं शुरू में आने से बंद हो गया। कैसे वो है, कैसे है मेरे और जो इसके अंदर ये सारा काम हो रहा है ये लकड़ी का है। और ऊपर से जो ग्रिल है वो तो लोहे के है, लेकिन जो नीचे से काम है वो सारा लकड़ी का है। और बहुत ही सुंदर काम कर रखा था। तो देखिए, यहाँ बीच में एक ये पेड़ सा आता है, इस पर जो बुद्धा की तस्वीर है वो लगा रखी है। तो बच्चे यहाँ पर खेलने लग गए थे। और यहाँ पर जो हाथी बना रखा है, इसे देख कर पर स्टोरी गा रही थी, हाथी राजा कहाँ चले, ये वाली स्टोरी गा गा के बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। तो देखिए, परी बच्चे भी कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें दिखाती, यहाँ पर क्या क्या बना रखा है, ये बुद्धा की तस्वीर बना रखी है। और दूर से देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। सच्ची में जितना सुना था मंदिर का, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर आकर के। और मज़ा भी बहुत ही आया यहाँ पर देख करके। तो देखिए दूर से कितने अच्छे, जो पार्क वार्क है कितने अच्छा, और साफ सफाई भी इतनी अच्छे से कर रखी थी, सब कुछ क्लीन कर रखा था। मतलब कि कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कचरा वचरा अपने मंदिरों में तैसे पड़ा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सफाई से सारा काम किया हुआ था। और बच्चे देखे कैसे मस्ती में लगे हुए, और बच्चों के साथ मैंने भी बहुत सारी मस्ती की यहाँ पे आके। और परी को भी देखे, जैसे बच्चे कर रहे थे ये, वैसे परी भी करने लग गई थी इनके साथ। कभी ये ऊपर चढ़ रहे थे, कभी नीचे चढ़ रहे थे, तो देखे परी भी इनकी जो इनके जैसे ही कर रही थी। कभी जब ये दीवार पे चढ़ रहे थे तो परी भी दीवार पे चढ़ रही, और जब ये नीचे उतर रहे थे तो इन परी भी नीचे उतरी, लेकिन परी छोटी थी तो इससे उसे उतरा नहीं जा रहा था बार बार में। और यहाँ पे देखो परी रोने लग गई, कह रही मुझे भी ऐसे ही ऊपर से जाना है, लेकिन हम उसे मना कर रहे थे कि परी बेटा आप गिर जाओगे, आप ऐसे ही खेलते रहो। और यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर एकदम इतनी शांति थी, इतनी मतलब कि बस पूछे, मतलब इतना मजा आ रहा था यहाँ पर घूम के कि बता नहीं सकते आपको। और मन भी नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, और बच्चों का भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि सभी बहुत मस्ती कर रहे थे और बच्चों ने भी बहुत ही मस्ती की यहाँ पर आके। और यहाँ पर देखे फिर हम जो नीचे पार्क में वहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर बच्चे झूलने लग गए थे झूला। तो परी बोल रही थी मम्मी मुझसे कि मम्मी आप भी झूलो ना, आप भी हमारे साथ खेलो ना। तो देखो मैं परी के साथ झूलने लग गई थी, तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करके झूलो वरना आपको चोट लग जाएगी। तो उसके बाद हमने रिद्धि को भी ले लिया है। मैं बोल रही थी परी चलो रिद्धि को भी झुलाते, तो हम रिद्धि को लेकर भी ऊपर चले गए। तो मैं यहाँ पर रिद्धि को भी झुलाने लग गई थी, और दीदी नीचे खड़े होकर देख रही थी, बोल रही थी मुझसे कि आप तो बच्चों के साथ बच्चे ही होने लग गए। दीदी यहाँ पर खड़े खड़े हमें देख रहे थे, और हम अपने मस्ती करते जा रहे थे यहाँ पर देखे परी को। और बार बार मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रही, बाद में भी बोल रही कि मुझे तो पार्क में या झूले के पास ही खेलना है, वहाँ नहीं खेलना। तो यहाँ पर झूलने के बाद हम चलने लग गए थे आगे, और हम सोच रहे थे आगे भी कुछ और होगा, और बहुत थक भी गए थे यहाँ पर मतलब कि इतने घूम घूम के। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के लिए आए थे, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर बच्चे फिर से लग गए, और बच्चों को थकान भी नहीं होती। तो देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, और इनको मस्ती करते देख ऐसा लग रहा था कि हम भी बच्चे होते तो इनके साथ ऐसे ही करते। देखिए बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकते, और यहाँ पर फिर से लग गए। और मैं वापस फिर से झूले पे मिली को झुलाने चली गई थी। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर आ रही थी, तो ये मेरे क्लिप बना रही थी, मैं परी को मिल्ली को भगा भगा के ला रही थी कि चल मिल्ली तेरे को भी झूलने का मजा दिलाती हूँ, दौड़ दौड़ कर आके। और देखिए पूरी चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, और पार्क भी कितना साफ सुंदर सा है। और यहाँ पर देखो बच्चों की मस्ती होगी शुरू, और ये पूरा टाइम ऐसे ही करते रहे। और वैसे इनको कभी थोड़ी बहुत चोट लग जाती तो इन्हें दर्द भी होता, लेकिन अब ये एक दूसरे के ऊपर गिर रहे तो इन्हें दर्द का भी एहसास नहीं है। देखिए बच्चे कितने खुश है, और परी का तो यार से परी का क्या, दोनों बच्चों को इनका भी
जो मतलब तीनों बच्चों का यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। जब हम इनसे बोले थे चलो घर चले तो बोले नहीं अभी 5 मिनट और रुको, 10 मिनट और रुको। पर देखिए बच्चों की मस्ती हो गई है शुरू और अभी हम यहाँ पर बैठे इन्हें देख रहे थे कि ये कैसे क्या कर रहे हैं। और परी तो बार बार में घास उखाड़ उखाड़ के कभी उसके ऊपर फेंक रही कभी उसके ऊपर। तो अभी मैं भी इनके साथ खेलने लगी थी, बोल रहे थे चलो मामी हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, आप हमें पकड़ना हम भागेंगे। मैंने परी को और भाई का को तो पकड़ दिया लेकिन गुन्नू को तो पकड़ ही नहीं पाई क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था और मुझसे इतना तेज भागा भी नहीं जाता क्योंकि पहले इसकी तो पकड़ो आप। बिपी लो रहने लग गया, पहले मैं दौड़ लेती थी लेकिन अब मेरा बिपी लो ज़्यादा रहता है तो मुझसे भागा नहीं जाता और जल्दी मेरा साथ है वो उखड़ जाता है। मैं थोड़ी देर बाद तक यहाँ बैठ गई थी, मुझसे भागा नहीं जा रहा था, मेरे उसको ऐसा लगा जैसे चक्कर आएंगे बहुत तेज से और मैं भागते भागते गिर भी गई थी। आप देखना आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा, तो बिल्कुल जरा सा रह जाता फिर घूम जाता। तो मैं बोली दीदी ये तो बहुत तेज भाग रहा था, देखो मैं यहाँ पर गिरते गिरते बची क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पर और मुझे भागते भागते जो भी फिर हुआ चक्कर चक्कर से आने लग गए तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और फिर देखो परी भी आ गई मेरे पीछे पीछे आके बोलेगी वो कि मैं तो थक गई, मुझे तो सोना है, नींद आई, अब मैं बहुत देर से थक गई। देखिए वो अभी यहाँ पर बता रही थी कि मैं थक गई हूँ, मैंने इतना खेल लिया है। तो वो देखो बात कर रही है पर मुझे तो वहाँ झूले पे जाना है, थक गई मैं यहाँ पे तो भाग भाग के। तो देखिए वो अभी यहाँ से घास उखाड़ेगी फिर किसी के ऊपर डालेगी, देखिए अब वो मेरे सिर पे डालने चली गई घास। वो ऐसे कर रही थी कभी घास उखाड़ के किसी के सिर पे फेंक रही कभी किसी के सिर पे फेंक रही। तो देखिए बच्चे कभी थकते नहीं है। चलो चलो आ जाओ, ये चलो 5 मिनट बैठ जाओ फिर चलो। रुको अपना अपना सिर दिखाओ गंदी। और यहाँ का नजारा बहुत ही देखने लायक था और पीछे से पक्षियों की आवाज आ रही है, एकदम शांत सा माहौल, ना किसी तरह का शोर शराबा, ट्रैफिक व्रैफिक किसी प्रकार का भी शोर शराबा नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, बस पूछो ही मत। और यहाँ पर देखो फिर बच्चे पानी पीने की जिद करने लगे और परी जहाँ से भी दोनों बच्चे तो बड़े जो गुन्नू और भाभी का है दोनों तो बड़े हैं, कहीं से भी कूद जाते दीवार वीवार से, लेकिन परी छोटी है तो वो भी उनके साथ जिद कर रही, मुझे भी यहीं से कूदना है यहीं से जाना है। तो देखिए उनके साथ कैसे घूम घूम के खेल रही थी अकेले, ऐसे बच्चे नहीं होते तो इसका मन नहीं लगता लेकिन बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा घूम मिल गई थी। और बच्चे आते रहते तो इन्हें याद भी करती रहती है, मम्मी गुन्नू कब आएगा, भाभी का कब आएगी, मैं भी चलूँगी बुआ के घर, ऐसे बहुत चाव होता है इन्हें देखने का। और यहाँ पे देखिए इसके चारों ओर ये छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की, जब बुद्ध देवता है वो अपनी पूजा पाठ जो कुछ भी करते थे मुझे पता नहीं है सही तरीके से, लेकिन उसकी जो प्रतिमा वो बना रखी है। तो देखिए बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई हुई थी उसकी जो बुद्ध है उसकी। और पीछे से भी नज़ारा बहुत एकदम बहुत ही सुंदर था। और देखिए पीछे से आप ग्रीनरी कितनी देख रहे हैं, इतनी सारी ग्रीनरी थी इसके पीछे भी और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। और ये देखिए मैं आपको एक एक करके सारी जो तस्वीरें वो दिखा रही थी इसके चारों ओर थी, और बीच में जो बड़ी वाली तस्वीर पहले दिखाई थी वो थी इसके, और चारों ओर ये छोटी छोटी सी प्रतिमाएं बनाई हुई थी देखिए। और अभी यहाँ पर ये खत्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस घर, जो जिस रास्ते से आए दूसरे रास्ते से, और उस रास्ते के पास में जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं और दीदी जा रहे थे और आगे आगे बच्चे जा रहे थे, तो मैं दीदी से बोल रही थी कि दीदी ये तो हिल तो ऐसे रह जैसे गिर जाएगा अभी, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा था। उसके बाद जो इनका मंदिर है मेन उसमें आ गए थे हम, और अभी यहाँ से साफ सफाई जो है वो हो चुकी थी। तो देखिए बच्चे भी यहाँ पे आगे आगे जा रहे थे और परी यहाँ पे जाके बीच में बैठ गई थी, बोल रही थी मैं तो थक गई हूँ घूम घूम के। तो देखिए वो ऐसे बैठ के देख रही थी, तो हमें उसे कह रहे थे कि चलो हम तो जा रहे हैं आगे, तो फिर वो वापस पीछे पीछे से आ गई थी। और देखिए यहाँ पे हमने भी बहुत इंजॉय किया, आप सभी भी अगर घूम के आना चाहते हैं तो जरूर घूम के आना क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है घूमने के बाद यहाँ पे, इतना इतना अच्छा इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो भाई का बोल रही थी मामी फोन मुझे भी दो एक, मैं भी वीडियो बनाऊंगी।
तो मैं बोल रही थी कि आप मामा से फोन ले लो, मामा के फोन में वीडियो बनाओ। तो इन्होंने भाविका को अपना फोन है वो चला के दे दिया था, और भाविका को भी बहुत शौक है वीडियो बनाने का, बोलती रहती है मामी मुझे भी हेलो दाइज करना है, मुझे भी वीडियो बनानी है। तो देखिए वो उन्होंने फोन ले लिया और वो वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं अपनी मस्ती में। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रखा था, उसके जो मंदिर उसके चारों ओर इस तरह से कुछ काम किया हुआ था, मिरर वर्क भी था, उसके बीच में जो ये पेंटिंग है वो भी बना रखती है, इनके ऊपर जो ग्लास है वो लगा हुआ था और बहुत ही सुंदर चमक लग रही थी। और देखे बच्चे कैसे यहाँ पर जो मेरी नकल करते जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी वीडियो बनानी है, हमें भी वीडियो बनानी है। देखिए अभी यहाँ पर गुनगुन ने फोन ले लिया और वो वीडियो बनाता हुआ जा रहा है इसकी, और मैं उसके पीछे थी, उसे पता नहीं था कि मेरी भी वीडियो बन रही है। तो देखिए मैं ये सभी देख रुक रुक के देख रहे थे सारी चीजों को अच्छे से। हाँ बेटा, और देखिए उसके बाद में जो ये है एक प्रतिमा, ये है बुद्ध की, यहाँ पर जहाँ पूजा पाठ होती है वो यही स्थान है। और उसके बाद हम आ गए थे दूसरी साइड, और यहाँ पर है जो बुद्ध देवता है उनके चरण। और दीदी बोल रही थी कि यहाँ पर भी जितने भी बर्तन होते चिकने हो चाहे कैसे भी हो, बस उन्हें मिट्टी से साफ किया जाता है, उन पर पानी और साबुन नहीं लगाई जाती। और दिए भी बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़े बड़े थे, कह रहे थे कि सभी ये साफ होंगे और मिट्टी से ही साफ होंगे, इन्हें मिट्टी से ही साफ करेंगे ये लोग, इन्हें पानी और साबुन का यूज नहीं करेंगे। तो पर यहाँ पर जा रही थी कि भागी भागी कह रही थी मम्मी यहाँ पे तो बहुत गर्म है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर इस मंदिर में एंटर हो चुके हैं, और परी कह रही थी कि मम्मी आप कहाँ रह गए, इतने पीछे रह जाते हो, और बाहर मैं तो जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, आप तो बच्चे हो। देखिए यहाँ पर हम इस मंदिर में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर जा ये मिट्टी है, इसके अंदर जो पैर है उनकी छाप लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी, हल्की हल्की सी। तो देखिए मैं यहाँ पर दीदी से पूछ रही थी कि ये यहाँ पर जो है ये बुद्ध देवता है प्रकट हुए थे, वो ये वो स्थान है। और यहाँ पर देखो आपको हल्के हल्के से पैर के निशान है वो दिखाई देंगे, बिल्कुल प्रॉपर एकदम समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन देखो हल्का हल्का कुछ छपा हुआ है इस मिट्टी के अंदर से। तो यहाँ पर बच्चे भी देख रहे थे कि इसके अंदर झुक, जब हम बड़े देख रहे थे तो उन्हें भी यही था कि क्या देख रहे हैं, तो हमने देखे उन्हें कुछ समझ तो आता नहीं, लेकिन वो देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस मिट्टी के अंदर कुछ बना हुआ सा दिख रहा है, अब ये नहीं पता इसके अंदर क्या बना हुआ, हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा ही लग रहा है जैसे पैर बने हुए या कुछ और बना हुआ, बल्कि कुछ बना रखा है, वैसे हाथ से नहीं बना रखा, ये ऐसे ही था। तो और जो मेन जो चरण है वो इस साइड में है, वो इस साइड लगा रखे हैं, और परी पीछे से बोल रही है हेलो गाइज हम आ गए। और देखिए अभी इस मंदिर में ऐसे आने के बाद हम आ गए थे बाहर, और यहाँ पर देखिए मैं दिए देख रही, दीदी बोल रही थी यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दिए हैं, वो मिलते हैं हर टाइम पर। तो देखिए आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर दिए थे। और अभी यहाँ पर घूमने के बाद हम चल रहे थे घर पर, और घर पर जाकर हमें अपने घर भी जाना था, तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से घूम के आ गए थे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पर खाने लग गए थे गोलगप्पे, क्योंकि भाविका और परे को गोलगप्पे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इन्हें बोल दिया था कि बच्चों को चलो गोलगप्पे खिला देते हैं। तो जी आप भी कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करते हैं जी के साथ में वो लोग, एंड बाय बाय, थैंक्स।